तो चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाएंगे लोकसभा से, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कि हम भी अपनी बात रखें, कोई हमारे पास आता था कहता था कि मैं बेरोजगार हूं और हमें लगता था कि नहीं, हमें कहना चाहिए कि तुम बेरोजगार क्यों हो, कारण क्या है। उसमें हम विपक्ष का रोल भी प्ले कर लेते थे, आपकी भी बुराई कर देते थे। नहीं, वो तो है, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, मगर थोड़ी देर चलने के बाद एक बदलाव आया और जो हमारी आवाज थी, जो ये डिजायर था बोलने का कि भैया बेरोजगारी इसलिए इसलिए है, महंगाई इसलिए है, वो बिल्कुल बंद हो गई। क्योंकि हमने इतने लोगों से बात की, मतलब हजारों लोगों से बात की, बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, कि थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल आवाज बंद हो गई। और फिर हम गहराई से, और मैं खुल के कह सकता हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से कभी पहले सुना ही नहीं था। क्योंकि हम सब में थोड़ा सा अहंकार होता है कि हम ही बता दें अपनी बात रखते। तो आस्ते 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 जब हम चले 500-600 किलोमीटर बाद, जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी और एक एक प्रकार से यात्रा, इंडिविजुअल्स नहीं, यात्रा हमसे बोलने लगी। नहीं, गहरी बात है, समझ जाएंगे आप समझने की कोशिश करो, यात्रा हमसे बोलने लगी। 200 किलोमीटर आप चलने की कोशिश करिए, पता चल जाएगा। और तो यात्रा हमसे, यात्रा बोलने लगी। कोई आता था कहता था, युवक आता था कहता था मैं बेरोजगार हूं। हम सवाल पूछते थे, क्या पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो। कोई कहता था मैं बेरोजगार हूं, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूं, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूं। किसान आए हजारों, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता, जमीन अधिकरण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं, आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है।